नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल पर। दोस्तों, भाजपा को गोरखपुर सीट पर अंततः रवि किशन के रूप में ऐसा उम्मीदवार मिल गया है जिस पर किसी खेमे के सदस्य भी होने का आरोप अब तक फिलहाल नहीं है। रवि किशन पिछले उपचुनाव से ही गोरखपुर सीट के लिए फील्डिंग कर रहे थे, लेकिन कामयाबी इस बार मिली है। टिकट की दौड़ में उन्होंने पिछले एक पखवाड़े से चर्चा में चल रहे थे। टिकट की लिस्ट में उन्होंने दर्जनों नाम पीछे छोड़ दिया है। जानकारों की माने तो पिछली बार के लोकसभा चुनाव के बाद ही वह तैयारी में लग गए थे। जानकारों की माने तो पिछली बार के उम्मीदवार उपेंद्र दत्त शुक्ल की जगह रवि किशन शुक्ल को टिकट देकर पार्टी ने जाति और पार्टी के अंतर विरोधी समीकरणों को एक साथ साधने की कोशिश की है। मूल रूप से जौनपुर के रहने वाले 48 वर्षीय रवि किशन शुक्ल को ज्यादातर दुनिया रवि किशन के नाम से जानती है। वह भोजपुरी सिनेमा के साथ साथ बॉलीवुड की मेन स्ट्रीम फिल्मों और टेलीविजन की दुनिया में बड़े नाम हैं। वह फरवरी 2017 में बीजेपी में शामिल हुए थे और वह 2017 के गोरखपुर महोत्सव में स्टेज शो किया था और उस वक्त भी उन्होंने उपचुनाव में गोरखपुर सीट से मैदान में उतरने का संकेत दिया था, लेकिन बाद में पार्टी ने उपेंद्र शुक्ला को मैदान में उतार दिया था। दोस्तों, आपको क्या लगता है, रवि किशन गोरखपुर लोकसभा सीट से विरोधियों को टक्कर दे पाएंगे या नहीं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। न्यूज़ पसंद आई हो तो न्यूज़ को लाइक करें, शेयर करें और राजनीति से जुड़ी हर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।